रात्रि में जमशेदपुर जिले के टेलको थाना अंतर्गत एक महत्वपूर्ण केस दर्ज हुआ था, जिसमें कि ट्रक लूट करने के प्रयास में ड्राइवर की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी अपराध कर्मियों के द्वारा। उस केस में चूंकि लूट के क्रम में हत्या की गई थी, तो हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से लिया। देर रात में ही सारे वरीय पदाधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया और एक टीम बनाई गई सिटी एसपी के नेतृत्व में, जिसमें डीएसपी सिटी, थाना प्रभारी टेलको और अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। उस टीम ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस केस का अनुसंधान शुरू किया। 30 तारीख की देर रात में ही 3-4 बजे जाकर के और जो लाफार्ज सीमेंट का जो इलाका है, फैक्ट्री, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज लिया गया। जो व्यक्ति जिनको गोली मार के हत्या की गई थी, उनके भाई जो इस कांड के वादी हैं, उनसे डिटेल पूछताछ की गई। उस पूछताछ में ये सामने आया कि बेसिकली जिन लोगों ने इस लूटपाट को अंजाम दिया है और इस हत्या को अंजाम दिया है, वो इनसे परिचित ही हैं। वो एक दूसरे ट्रक का ड्राइवर था, जो कि कुछ दिनों से जो मृतक हैं और उनके जो भाई हैं, उनके साथ में दोस्ती कर रखी थी और उसके बाद उनको शराब पिला करके और ट्रक लूटने का प्रयास किया। जब मृतक के द्वारा विरोध किया गया ट्रक के लूटने का, तो इन लोगों ने देशी कट्टे से गोली मार करके हत्या कर दी थी। पुलिस ने इसमें बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से और बहुत ही त्वरित अनुसंधान करते हुए टोटल 5 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया है। ये 5 अपराधकर्मी ही इस घटना में शामिल थे। ये 5 बिहार के अरवल जिले के रहने वाले हैं। इनमें मुख्य साजिशकर्ता दिनेश सिंह उर्फ सुधीर यादव है, उसका मुख्य साथी अनुज कुमार यादव उर्फ राहुल है। इन लोगों ने पहले जो मृतक हैं, जो चालक हैं विजय यादव, उनके साथ में दोस्ती की और उसके बाद में जो है, उसके बाद उनको एक दिन 30 तारीख की रात को साथ में शराब इत्यादि पिला करके और ट्रक लूटने का प्रयास किया। इस घटना में हम लोगों ने जो ट्रक लूटने का प्रयास किया गया था, वो घटना की रात्रि ही बरामद हो गया था। दूसरा एक ट्रक जो कि अपराधकर्मी दिनेश सिंह के द्वारा ले करके भागा गया था, उस ट्रक को हम लोगों ने बुंडू के पास जाके उस ट्रक को हम लोगों ने रिकवर किया है। गाड़ी में से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, गोलियां बरामद हुई हैं। इन लोगों ने हत्या करने के बाद में जो खून लगा हुआ चाकू है, खून लगा हुआ डंडा है, जिससे इन्होंने प्रहार किया था वादी के ऊपर और उनके भाई के ऊपर, उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। इसके अलावा इन लोगों के पास से कपड़े बरामद हुए किए गए हैं इनके कन्फेशन रिटिंग टू रिकवरी पर, जिसमें कि मृतक का खून लगा हुआ है। इनमें से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका आपराधिक इतिहास भी है, दिनेश सिंह और सुधीर यादव जो मुख्य साजिशकर्ता है उसका, और अनुज कुमार यादव और राहुल, ये लोग अरवल जिले के कुर्था थाना से और पालीगंज पटना का जो थाना है वहाँ से इसी तरह के केस में जेल गए हैं, गाड़ी चोरी के केस में, फोर व्हीलर चोरी के केस में और फोर व्हीलर लूट के केस में। उन लोगों ने एक्चुअली बहुत ही शातिर तरीके से काम किया। 2 लोगों ने, दिनेश और राहुल ने, और अपने 3 साथियों को इस काम के लिए 15 दिन पहले अरवल से बुलाया था और इनको गोविंदपुर थाना क्षेत्र में एक रूम लेकर के रखा हुआ था। और इन लोगों की प्लानिंग यही थी कि जो चालक है उनके साथ में दोस्ती कर ली जाए और दोस्ती करने के बाद फिर उनको बराबर आप पिला करके और ट्रक में उनको साथ में अपने ले जाएं और उस ट्रक को कब्जा कर लें और बाद में इन लोगों को मार करके बॉडी को कहीं फेंक दिया जाए गया। तो उसके बाद में ये केस डिटेक्ट हुआ और इसमें 5 लोग जो शामिल थे वो बहुत ही सटीक तरीके से पूरे एविडेंस के साथ में पकड़े गए। क्योंकि पहले भी है इन लोगों को इसी तरह के केस में, गाड़ी लूट के केस में पटना के पालीगंज थाने से भी इन लोगों का वारंट इश्तिहार निकला हुआ है। वहाँ से भाग करके पिछले 7 महीने से लोग एनजीएम थाना अंतर्गत मुखिया डांगा में रह रहे थे, दिनेश सिंह और राहुल यादव ये दोनों। और इन लोगों का उद्देश्य केवल और केवल यही था कि चूंकि ये दोनों जो ड्राइवर जो मृतक हैं और जो वादी हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और इन लोगों को लगा कि इनको हम जाकर मार्केट ट्रेन पर बंगाल में या बिहार में भेज देंगे और गाड़ी को ले जाके कलकत्ता में बेच देंगे, तो किसी को पता नहीं चलेगा। मोडस ऑपरेंडी है कि खुद ये लोग गाड़ी चलाते हैं, ये ड्राइवर है दिनेश कुमार सिंह, ये 7 महीने से ट्रक चलाता है दूसरे मालिक का। इसी क्रम में ये लोग किसी ड्राइवर से दोस्ती कर लेते हैं और दोस्ती करने के बाद में उसको फिर ले जा करके उसके ट्रक को बीच में कहीं कब्जा कर लेना और उसको फिर घटना उसको कर देना या बांध करके कहीं छोड़ देना, इस तरीके का इन लोगों ने। तो जमशेदपुर में पहला इन्होंने ट्राई किया था ये पिछले 6-7 महीने से लोग, जब पालीगंज थाना में पटना में इनके ऊपर में वारंट निकला, वहाँ की पुलिस ने खोजना शुरू किया, तो ये भाग करके यहाँ रूम लेकर के रह रहे थे। यहाँ पर भी फिर इन लोगों ने साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। इसमें घटना की रात्रि में ही हमारे टाइगर मोबाइल ने इनका पीछा किया था, जब कुछ लोगों ने बताया रोड पर कि एक ट्रक जा रहा है जिसमें कुछ शीशा टूटने की आवाज़ आई, गोली चलने की आवाज़ आई। टाइगर मोबाइल ने जब इनका पीछा किया उसके बाद ये लोग गोली चलने के बाद ट्रक को छोड़ करके और भाग गए थे।